वेलकम है दोस्तों तुहाडा साडे चैनल माला मणके ते। किताब बूहे बारियां, लेखक नरिंदर सिंह कपूर। लेख आओ गल्लां करिए। गल्लां करना एक अजिही कला है जिस दा अभ्यास अते वरतों सारा संसार कई घंटे हर रोज़ करदा है। हाथ साडी सोच नूं अमली रूप दिंदे हन अते जीभ साडी सोच नूं शब्दां दा जामा पहनाउंदी है। एक फिलासफर ने कहा है कि मैनू कोई भी बंदा सहज सुभाअ गल्लां करदा दिखा दिओ, मैं उसकी किस्मत दस देवांगा। साडियां गल्लां साडे अनुभवां विचों फुटदियां हन अते गल्लां दे आधार ते ही असी कमीने, होशे, धोखेबाज, बेईमान, मिलापड़े, शाह दिल, सखी, सहयोगी आदि वर्गियां विच वंडे जांदे हां। कई लोगों की आवाज़ विच रस हुंदा है, वह बोलते हैं तो फुल गिरदे हन। अजिहे व्यक्तियों नूं सुणदिआं इही फिकर लग्या रहिंदा है कि किधरे वह बोलना बंद ना कर देण। यूनान विच सुकरात दीआं कीतीआं गल्लां दी चर्चा अजे भी की जाती है। पंजाब विच गुरु नानक देव गल्लां करन दे अंतां दे शकीन अते माहर सन। उहनां नूं अपने तर्क विच विश्वास सी, इसलिए उह जिथे भी गए उहनां ने वाद विवाद कीता, अर्थात अपनी गल कहण समझाउण दे आप अवसर पैदा कीते। उजड़ जाओ अते वसदे रहो ना दी साकी, उहनां दे गल कहण दे ढंग दी सिखर है। गर्मियां दे मुकाबले सर्दियां विच असीं वधेरे गल्लां करदे हां। घरां विच जिस सौख नाल गल्लां कीतियां जा सकदियां हन उसे अनुपात विच साडी शख्सियत विच खुलासापन आउंदा है। प्यार मुहब्बत इसलिए दिलचस्प स्थितियां हुंदियां हन क्योंकि यह गल्लां करन दे अथाह मौके प्रदान करदियां हन। माँ बच्चे नाल आ मुहारे गल्लां करदी है। एक व्यक्ति की जदों पत्नी गुजर गई तो उसनू सब तो वड्डा दुख इस गल दा सी कि हुण किसे नाल खुल के वह गल्लां किवें करिया करेगा। दोस्त अते सहेलियां इसलिए प्यारियां लगदियां हन क्योंकि उहनां नाल निरसंकोच हो के गल्लां कीतियां जा सकदियां हन। प्यार दा अनुभव साडियां गल्लां विच्चों खुरदरापन दूर करके कूलापन लिआउंदा है क्योंकि गल्लां वन सवन्ने अनुभवां विच्चों फुटदियां हन। इसलिए चंगियां दिलचस्प गल्लां रसी होई अते पक्की होई शख्सियत दीआं लखायक हुंदियां हन। गल्लां राही ही साडा किसे नाल प्यार पैंदा है। जदों गल्लां दे पक्खों असी बहे हो जांदे हाँ तां रिश्ता फिक्का पै जांदा है। गल्लां राही असी अपने तर्क दी नुमाइश लाउंदे हाँ अते अपनी रूह दे रंग प्रगटाउंदे हाँ। गल्लां राही ही असी अपने गुजरे समय का लेखा जोखा पेश करते हाँ। ज्ञान विहूणा व्यक्ति दिलचस्प गल्लां कर ही नहीं सकता। गल्लां साढ़े ज्ञान के ढेर विचों नमूने के बीज हुंदियां हन। हर कोई समझदा है कि उस कोल सांझा करन लई कुछ ना कुछ अजीब अनुभव है। गल्लां घटनावां का शांत अते सह सुभा प्रगटावा हुंदियां हन। इह कीतियां ही अपणियां नाल जा सकदियां हन। बेगानियां नाल असी मुलाकात करते हाँ अते विरोधियां नाल बहस, पर अपणियां नाल असी गल्लां करते हाँ। जदों पुराने जमाती जां दोस्त, सहेलियां जां गुआंढणां जां संगी साथी मिल बैठण तां उहनां लई दिल च अंतां दा प्यार जाग उठदा है। वह गल्लां राही सानूं साडे गुजरे जमाने की याद दवा के जीवन नाल साडा मोह वधाउंदे हन। वधिया गल्लबात उह हुंदी है जिस दे वेरवे भावें याद ना रहन पर एक मिठा जिहा अनुभव मन विच रिसदा रहिंदा है। गल्लां कोई विशा निश्चित करके नहीं कीतियां जा सकदियां। चंगी गल्लबात उह हुंदी है जिहड़ी सानूं रजा देवे, साडे विच माफ करन दी शक्ति उपजावे, साडे विच प्यार करन दी समर्था वधावे अते साडियां अक्खां विच सुपने लटका दे। गल्लां करदिआं आपणी बीमारी, लाचारी, मायूसी आदि वधेरे चर्चा नहीं करनी चाहीदी क्योंकि जदों अजिहा विशा चल पवे तां गल्लां उसे दे आले दुआले घूमदियां रहिंदियां हन। खुल के गल्लां कीतियां ही उत्थे जा सकदियां हन जिथे असी पूरी तरह सुरक्षित अनुभव करिए। खाने की मेज़ ते बैठिआं हासे मखौल वालियां गल्लां करन नाल ना केवल खाना वधेरे स्वाद लगता है सगों लाभकारी भी वधेरे हुंदा है। इसलिए कहा जाता है कि जिस नाल रुसे होइए उस नाल बह के कुछ खाण नूं दिल नहीं करता। कई घरां विच तुसीं वेख्या होगा कि मेहमानां नूं खाण लई बार बार प्लेटां अगे वधाइयां जांदियां हन। असलियत यह हुंदी है कि अजिहे लोकां कोल करन लई गल्लां नहीं हुंदियां, सो उह उही कुछ बार बार अगे करदे हन जो उहनां कोल हुंदा है। प्रेम पत्रां विच कईआं नूं दूजिआं दे बोले उचारे वाग जां शेयर लिखण दी आदत हुंदी है। इह झूठे भोजन नूं परोसण वाग है। सानूं अपने अनुभवां नूं लिखण दा यतन करना चाहीदा है। उस विच ताजगी अते ईमानदारी होवेगी। अजिहियां गल्लां किन्नियां वी सादियां क्यों ना होण, उह अपनी सुचता कारण दूजे नूं मोह लैणगीआं। चिट्ठी अते खत पत्र गल्लबात दा ही विकसित सरूप हुंदे हन।
परंपरक शख्सियत उही पुराने घसे पिटे वाग ही लिखती है। जितनी साड़ी शख्सियत साफ सुथरी होवेगी उतना ही साड़ा बयान नरुआ होवेगा। गल्लां करन समय साड़े विच सुनन दा सलीका आउंदा है अते असी चुप रहण दी जात सिखदे हाँ। गल्लां करना इंज है जिवें सारे एक ही थाली विचों खा रहे होईए जां इकट्ठे नहा रहे होईए। गप्पां गल्लां दा बिगड़िया होया रूप हुंदियां हन। वास्तव विच इह कच्चियां होईयां चुगलियां हुंदियां हन। गप्पां मारियां जांदियां हन, गल्लां कीतियां जांदियां हन। इसे विच ही इन्हां दा अंतर है। गप्पां ताश खेडण वांग हन, गल्लां कविता लिखण वांग हन। गप्पां फड़ां आदि अंदरले खोखलेपण दा बाहरला खड़ाक हुंदियां हन। सानू खड़ाक अते संगीत विच फर्क समझना चाहीदा है। गप्पां राहीं असीं अपने कमीनेपण नूं कजदे हाँ अते दूजियां दे विहार दा बलात्कार करदे हाँ। गप्पां मन समय असीं अपनी गल कहण दी अड़ी करदे हाँ, सो दूजियां दी सुणदे नहीं, क्योंकि जदों असीं बोलण विच काले पए होईए उदों असीं सुनना बंद कर देंदे हाँ। गल्लबात विच दूजियां नूं बोलण ला देना ही साडी कामयाबी हुंदी है। गल्लां सलाद वांग सवाद हुंदियां हन। गल्लां विचले जिंदगी दे निक्के निक्के वेरवे साडे चेतियां विचों वसे अनेकां अनुभवां नूं जगा देंदे हन। गल्लां राहीं कई धुप विच मीह भरा देंदे हन। महबूब दे हाथ ते लगी मेहंदी याद करवा देंदे हन। हासियां दी वाछड़ करा देंदे हन अते कज्जिया होया हुसन विखा देंदे हन। गल्लां राहीं असीं अपनी मुहब्बत दीआं गलीआं विच सैर करदे हाँ। महबूब कोल बैठिआं गल्लां मुकदीआं ही नहीं। असीं दूजियां नूं खुश कर ही तां सकदे हाँ जे आप खुश होईए, रज्जे होईए। जदों गल्लां नाल असीं थक जांदे हाँ तां वी असीं सौंदे नहीं, सगों प्यारे नाल अते प्यार कारण होर गल्लां करदे हाँ। जितने गुंझलदार दिमाग हुंदे हन उतनियां ही सधारण उहनां दीआं खुशियां हुंदीआं हन। दिलचस्प गल्लां करन दे योग होण लई उम्र भर दा अनुभव होना चाहीदा है। अनुभव साडी आवाज़ नूं थक्कण नहीं दिंदे अते गल्लां करन दी पहली योग्यता इह हुंदी है कि साडी आवाज़ विच जोश होवे। जोश ही दिलचस्पी दा प्रमुख स्रोत हुंदा है। साडी आवाज़ साडी शख्सियत दा संगीत हुंदी है। असीं समझदे हाँ कि सानू गल्लां करनियां आउंदियां हन, जदों कि सच इह है कि असीं केवल गप्पां मारनियां जाणदे हाँ। असीं अजे कबाड़ी बाज़ार विच ही घूम रहे हाँ। गल्लां विच ज्ञान हुंदा है, गल्लां विच गुलाई हुंदी है, गल्लां विच कूलापण हुंदा है, गल्लां आ मुहारे औड़दियां हन। तो दोस्तों इस दे नाल ही सारा लेख खत्म हुंदा है। फिर मिलांगे किसी नवें लेख नाल। धन्यवाद।